हे गाइस, गुड मॉर्निंग हियर। और अगर आप सोच रहे थे कि आपको रियलमी एक्स टू लेना है जो 17 दिसंबर को अब लॉन्च हो रहा है, वेल अब प्रॉबेबली आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि शाओमी ने अपना रेडमी K30 अनाउंस कर दिया है जो इस फोन के साथ कम्पीट करने वाला है। तो अभी कुछ दिनों पहले शाओमी ने चाइना में अपना रेडमी K30 लॉन्च कर दिया था। स्टार्टिंग प्राइस बस 16,000 रुपये है वो फोन की। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट था ये फोन में, तो मैंने सोचा कि यार एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रेडमी K30 के बारे में, और आपको मेरे ओपिनियंस भी बताने वाला हूँ कि क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं। और एक्चुअली मैं रेडमी K30 इम्पोर्ट भी करने वाला हूँ, तो अगर सारी चीज़ें बराबर से हो जाएगी तो आपको कुछ दिनों में उस फोन की वीडियोज़ भी देखने मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आपको फ्यूचर में वीडियोज़ मिस नहीं करने रेडमी K30 के बारे में, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अब बिना टाइम वेस्ट किए रेडमी K30 के बारे में बात करते हैं। तो यार, शाओमी का जो रेडमी K30 है, उन्होंने ये फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। सबसे पहले तो एक है 4G वेरिएंट और दूसरा फोन है 5G वेरिएंट। और शाओमी ने 5G वेरिएंट बस 20,000 रुपए में लॉन्च किया है, तो ये वर्ल्ड का आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट 5G फोन्स है। और जो 4G वेरिएंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब 16,000 रुपए है चाइना में। तो सबसे पहले हम 4G वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स बताता हूँ और उसके बाद हम 5G वेरिएंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 4G वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर ये फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G। तो जो Redmi K20 था जो मेरे पास अभी है उसमें आया था 730, और यहाँ पर जो Realme X2 पे चिपसेट है 730G वो आपको मिलने वाला है K30 में। तो अगर आपने मेरा PUBG रिव्यू नहीं देखा तो वहाँ पे मैंने कंपेयर किया था Snapdragon 730G को 730 के साथ, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 730G में 5 से 10% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलता है आपको गेमिंग में 730 के कंपेरिजन में। तो जो K30 है उसका गेमिंग परफॉर्मेंस K20 से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। 730G एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है, आप GFX टूल के साथ आराम से 50 FPS के ऊपर PUBG खेल सकते हो। तो उसके अलावा बेसिकली यहाँ पर आपको जो RAM मिलती है वो बेस वेरिएंट में 6GB की RAM मिलती है और 64GB की स्टोरेज मिलती है, और आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज तक। तो चार वेरिएंट है, चारों की प्राइसिंग मैंने अभी स्क्रीन पर दिखा दी है। तो ये सारे वेरिएंट्स पे आपको UFS 2.1 की भी स्टोरेज देखने मिलती है। तो आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, आप 664 ले सकते हो, 6128 ले सकते हो, 8128 ले सकते हो, या फिर 8256 तक भी ले सकते हो। तो एक अच्छी बात यार कि Xiaomi ने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। उसके बाद अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पे Redmi K30 पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। तो जो प्राइमरी सेंसर है वो है सोनी का IMX686, ये एक 64 MP का सेंसर है और ये एकदम नया सेंसर है। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे 64 MP के फोन आए थे इंडिया में और वो सब में सैमसंग का सेंसर लगा था, बट ये पहला 64 MP वाला फोन है जिसमें सोनी का सेंसर लगा है। आपका जो सोनी IMX586 था उसका ये डेवलप्ड वर्जन है, 64 MP के साथ ये सेंसर आने वाला है। तो मेरे हिसाब से शायद इसका कैमरा परफॉर्मेंस रियलमी X2 से बेटर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो सोनी का सेंसर होता है उसका परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट सैमसंग के सेंसर के परफॉर्मेंस से ज़्यादा होता है। हमने 48 MP वाले फोन्स में भी देखा था और अब 64 में भी शायद आपको यही देखने मिलेगा। प्राइमरी सेंसर के अलावा जो सेकेंडरी लेंस है वो है 8 MP का वाइड एंगल लेंस। उसके बाद आपको दिया गया एक 2 MP का डेप्थ सेंसर और एक 2 MP का मैक्रो लेंस। यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये कि अगर आप रेडमी K20 को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। ये जूम लेंस पोर्ट्रेट फोटोज में काफ़ी काम आता है, जूम लेंस से पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, और इसका जी कैम में भी सपोर्ट था। पर अनफॉर्चुनेटली रेडमी K30 पर शाओमी ने टेलीफोटो लेंस उड़ाई दिया है, तो आपको जूम लेंस नहीं दिया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। वो जो 2 MP का डेप्थ सेंसर है उसे हटा के अगर आप K20 वाला टेलीफोटो लेंस दे देते तो पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी मज़ा आ जाता। उसके अलावा अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो यहाँ पे शाओमी ने आपको डुअल कैमरा का सेटअप दिया है। तो एक 20 MP का अपना प्राइमरी सेंसर है और उसके साथ 2 MP का एक डेप्थ सेंसर है। ये लेआउट काफ़ी सिमिलर है गैलेक्सी S10 Plus की तरह, और शाओमी ने ये क्यों दिया है मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर ने डुअल कैमरा सेटअप दिया है फ्रंट में उन्होंने बाद में उसे निकाल ही दिया है। शाओमी ने रेडमी नोट 6 प्रो के साथ दिया था, उतना कुछ यूज़ में नहीं आया, तो उन्होंने नोट 7 प्रो और नोट 8 प्रो दोनों में डुअल कैमरा निकाल दिए फ्रंट में से। सैमसंग ने भी S10 Plus में दिया था बट उससे उतना कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नोट 10 Plus में उसे निकाल दिया। तो बेसिकली ये उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं समझ रहा, इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, शायद से थोड़ी एज डिटेक्शन बेटर हो जाएगी बट उससे ज़्यादा तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला। और इसके कारण एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि रेडमी K20 पे आपको जो फुल H2H डिस्प्ले मिलता था वो अब आपको K30 पे नहीं मिलने वाला। K20 में पॉपअप कैमरा था और आपको प्रॉपर विदाउट एनी नॉच ट्रू बेजललेस डिस्प्ले मिलता था, बट क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक होल पंच वाला कैमरा कटआउट है तो ये H2H डिस्प्ले नहीं है, और काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअली Realme X2 पे भी बहुत सारे लोगों की यही कंप्लेंट थी कि यार इसमें नॉच है, Redmi K20 पे नहीं है, तो उस पर व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है।
बट अब क्या कर सकते हैं यार, शाओमी ने ये डिज़ाइन चूज कर दिया है, बट मेरे हिसाब से जो K20 वाली डिज़ाइन थी वो ज़्यादा बेटर थी। डिज़ाइन के साथ साथ इन्होंने डिस्प्ले में भी चेंजेस कर दिए और एक मेजर चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो रेडमी K20 पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता था, वो डिस्प्ले अब आपको देखने नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपके पास LCD डिस्प्ले है। अब आप पूछोगे कि यार शाओमी ने ऐसे क्यों किया, रियलमी X2 पे भी एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे LCD डिस्प्ले क्यों दिया? वेल, इसका ये कारण है क्योंकि शाओमी यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाला है। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा तो आप सोचिए कि 20,000 रुपीज़ के अंदर ये एक अकेला फ़ोन है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है। दूसरे फोन जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो है ROG Phone 2 और वो फ़ोन 38,000 रुपीज़ का है। Redmi K30 इसके हाफ प्राइस में आपको आता है और इसमें आपको शाओमी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाला है। तो ये चीज़ काफ़ी इंसन है क्योंकि बाकी सब फोन्स ये प्राइस सेगमेंट में सिर्फ 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आते हैं और इसी के कारण इन्होंने LCD डिस्प्ले चूज़ किया है, क्योंकि एमोलेड में 120 हर्ट्ज बनाना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, LCD में थोड़ा इजीली बन जाता है, तो इसलिए इन्होंने LCD चूज़ किया है कॉस्ट बचाने के लिए। पर आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, क्या आपको 120 हर्ट्ज वाला LCD डिस्प्ले पसंद आएगा या फिर आपको 60 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले पसंद आएगा जो मेरे रियलमी X2 पे है? तो बेसिकली हाँ यार, ये टाइम एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो शायद उतने सारे कलर्स या फिर आपको कॉन्ट्रास्ट देखने नहीं मिलेंगे, बट ये डिस्प्ले भी HDR10 सर्टिफाइड है और बैक और फ्रंट दोनों जगह पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये रेडमी K20 से काफ़ी सिमिलर है। शाओमी ने बहुत सारे नए कलर्स लाए हैं, बैक कैमरा का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है, तो वो चेंज आपको मिलेगा रेडमी K30 पे। उसके अलावा यहाँ पर और एक डिफरेंस आपको देखने मिलता है, वो ये है कि रेडमी K20 पे बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले था तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर था, बट अब रेडमी K30 पे क्योंकि आपके पास LCD डिस्प्ले है तो LCD डिस्प्ले में आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बना तो नहीं सकते, तो उसी के कारण शाओमी ने आपको इसे राइट साइड में दे दिया है। तो अगर आप देखोगे तो जो पावर बटन है वही बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब शाओमी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तो अब देखना पड़ेगा कि इसकी सेंसिटिविटी कैसी है, कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, बट क्योंकि ये हार्डवेयर सेंसर है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा और ये एक डिज़ाइन अच्छा है कि पावर बटन के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया, तो आप इसे जैसे ही टच करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको NFC मिलता है, हेडफोन जैक भी है और रेडमी K30 पे एक्चुअली आपको IR सेंसर भी मिलता है जो रेडमी K20 पे नहीं था। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स थी कि इस पे नहीं मिल रहा था IR सेंसर, तो शाओमी ने K30 के साथ वो दे दिया है और आपको उन्होंने एक हाइब्रिड स्लॉट भी दिया है, तो आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है रेडमी K30 में। और फाइनली अगर हम बैटरी की बात करें तो रेडमी K20 और K20 प्रो में 4000 mAh की बैटरी थी जो काफ़ी अच्छी थी, बट शाओमी ने रेडमी K30 पे आपको दिया है 4500 mAh की बैटरी, तो बैटरी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी और इसमें आपको 27 वॉट चार्जिंग सपोर्टेड है, तो ये 0 से 100% सिर्फ 1 घंटा और 8 मिनट में जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि ये पावर ब्रिक 27 वॉट वाली आपको बॉक्स में मिलने वाली है या फिर नहीं, एक बार मेरे पास फोन आ जाता है फिर मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हाँ यार, बेसिकली यही है आपका रेडमी K30। K20 के रिस्पेक्ट में आपके कुछ कॉम्प्रोमाइजेज है, जैसे कि टेलीफोटो लेंस नहीं है, आपके पास एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, H2H डिस्प्ले नहीं है, बट उसी के कंपैरिजन में बहुत सारे नए फीचर्स है, जैसे कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, आपको बिगर बैटरी दिया है शाओमी ने, यहाँ पे कैमराज भी बेटर होने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है और K20 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है रियल वर्ल्ड में। तो ये था अपना K30 4G। अब उसके बाद हम बात करते हैं K30 5G की। तो बेसिकली ये फ़ोन ऑलमोस्ट सेम है K30 4G से, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये फ़ोन 5G सपोर्ट करता है, तो आपके जो 5G बैंड्स है, जो 5G वाली स्पीड है वो आपको मिलने वाली है, बट मेरे हिसाब से ये फ़ोन इंडिया में नहीं आएगा। फिर इसका कारण यह है कि इंडिया में 5G 2021 या 2022 तक नहीं आने वाला, तो शाओमी इसे अभी लॉन्च क्यों करे, क्योंकि तब तक शाओमी इसके 3-4 नए मॉडल और लॉन्च कर देगा। अगर आप 1-1.5 साल की बात है ये, तो आराम से शाओमी इसके 3-4 वेरियंट तो लॉन्च कर ही देगा। तो इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि 5G वाला वेरियंट इंडिया में नहीं आने वाला। अब बात यह उठती है कि 5G वेरियंट में चेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G मिलता है, तो जो 730G है वो आपका 5G सपोर्ट नहीं करता, तो इसी के कारण क्वालकॉम ने 765G यूज़ किया है और इसमें एक्चुअली परफॉर्मेंस बेटर है, गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है क्योंकि GPU बेटर है और अपना थोड़ा CPU भी बेटर है, तो इसी के कारण आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें। और उसके अलावा अगर हम कैमराज की बात करें तो सेम है, बस जो मैक्रो लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आने वाला है। और जो चार्जिंग है वो यहाँ पे आपको 30 वॉट की मिलती है, तो आप 0 से 100% कुछ 58 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो, तो नॉर्मल 4G वाले वेरिएंट से ये 10 मिनट्स फास्टर है, बट उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 20,000 रुपीज़ है और मैं अभी आपको सारे वेरियंट्स की प्राइसिंग स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ,
और आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है 4G और 5G वेरिएंट में। इसी के कारण मुझे लगता है कि Xiaomi 4G वाला वेरिएंट लेके आएगा अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 हज़ार रुपए के बीच में, और ये परफेक्टली रियलमी X2 के साथ कम्पीट करेगा। रियलमी X2 अभी 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, तो देखते हैं कि ये फ़ोन की प्राइसिंग क्या आती है। मेरे हिसाब से 18 से 19 हज़ार रुपये के बीच में ये फ़ोन लॉन्च होना चाहिए, और अगर Xiaomi K30 को भी ये प्राइस में लॉन्च कर सकता है 20-21 हज़ार के आसपास, तो ये काफ़ी स्टिफ कॉम्पिटिशन देगा रियलमी X2 को। मेरे हिसाब से Redmi K30 बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है, कोई भी फ़ोन कंपनी ने 120 Hz का डिस्प्ले ये प्राइस सेगमेंट में नहीं दिया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। और उसके अलावा मुझे ये भी देखना है कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, बैटरी लाइफ कैसी है, क्योंकि इसमें जो 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है वो अब तक और कोई फ़ोन में नहीं आया है। तो मुझे कंपेयर करना है कि रियलमी X2 और रेडमी K30 के बीच में कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले मेरे चैनल पर, मैं ट्राई करूँगा कि रेडमी K30 को भी इम्पोर्ट करूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने ओपिनियंस भी मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको रेडमी K30 अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। मैं एग्री करूंगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेज है, यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिल रहा है, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में है, H2H एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, पर अब देखते हैं कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज वर्थ इट है या फिर नहीं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रेडमी K30 के बारे में, तो प्लीज़ यार मुझे कॉमेंट्स में पूछो, मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं एक पोल डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप वोट करना कि क्या आपको रेडमी K30 के वीडियोज़ देखने हैं या फिर नहीं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो फ़ोन को इम्पोर्ट कर सकूँ। अभी के लिए तो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।